अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, आप सब खैरियत से होंगे। कल हमने लेसन, इसका नाम फेस शोइंग है, इसको कंप्लीट किया था। तो आज हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर है वर्किंग विद द टेक्स्ट। तो पहला क्वेश्चन है वो है हु केम टू द नरेटर्स विलेज, नरेटर के गाँव में कौन आया था। तो इसका आंसर है रहीम बीबी ए न्यूली वेडेड ब्राइड केम टू द नरेटर्स विलेज। रहीम बीबी एक नई शादीशुदा दुल्हन नरेटर के गांव में आई थी। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट डिड द नरेटर्स मदर आंट एंड हिज एल्डर ब्रदर्स वाइफ गिव द न्यूली वेडेड ब्राइड। नरेटर की माँ, उसकी खाला और उसके बड़े भाई की बीवी ने नई दुल्हन को क्या दिया। द नरेटर्स मदर गेव हर ए पेयर ऑफ बैंगल्स, उसकी माँ ने उसे चूड़ियों का जोड़ा दिया। हिज आंट गेव हर ए पेयर ऑफ एंकलेट्स, उसकी खाला ने उसे पायलों का जोड़ा दिया था। एंड हिज एल्डर ब्रदर्स वाइफ गेव हर ए पेयर ऑफ स्मॉल सिल्वर टोरिंग्स, और उसके बड़े भाई की बीवी ने उसे छोटे से वो टोरिंग्स दिए थे। क्वेश्चन नंबर थ्री, द नरेटर सिस्टर इन लॉ सेड, नरेटर की जो सिस्टर इन लॉ थी उसने कहा था ऑनली हर कम्प्लेक्शन इज़ फेयर द फेस इज फुल ऑफ फ्रैकल्स, सिर्फ उसका जो कम्प्लेक्शन है वो फेयर है, गोरा है, साफ है, मगर जो उसका उसके जो चेहरा है उस पर फ्रैकल्स हैं, उस पर थोड़े दाग हैं। दिस शोज शी इज़, इसका मतलब है कि वो क्या है, नाइस, एरोगेंट, वेन, हम्बल, इसका मतलब वो वेन है। उसके बाद व्हाट डिड द न्यूली वेडेड ब्राइड डू आफ्टर थ्री और फोर डेज, नई दुल्हन ने तीन चार दिनों के बाद क्या किया। आफ्टर थ्री और फोर डेज शी ज्वाइन द हाउस होल्ड कोर्स, तीन चार दिनों के बाद उसने घरेलू कामों में हिस्सा लेना शुरू किया, घरेलू काम करने शुरू किए। वाई डिड द सिस्टर इन लॉ कीप क्वाइट, सिस्टर इन लॉ जो थी बाबी वो चुप क्यों रही। बिकॉज इधर शी कुडंट फाइंड अ सूटेबल रिप्लाई, या तो उसे मुनासिब जवाब नहीं मिला था, और शी didn't think it suitable to carry on the argument, या उसे ये मुनासिब नहीं लगा कि इस बहस को आगे ले जाया जाए। Why did the parents of the daughter in law live, उसके daughter in law जो थी उसके जो parents थे वो कहाँ रहते थे। The parents of the daughter in law lived in Surinsar, वो Surinsar में रहते थे। Question number 7, Why did the mother in law stop coming to the well, पहले दुल्हन की जो सास थी वो भी उसके साथ कुएं पे पानी भरने आती थी, फिर उसने छोड़ दिया था, क्यों छोड़ दिया था। बिकॉज शी वॉज एंगेज इन सम अदर डोमेस्टिक वर्क एट होम, क्योंकि वो दूसरे काम में मसरूफ थी घर में। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ मेनी ईयर्स डिड द नरेटर स्पेंड इन द 9th क्लास, नरेटर ने 9th क्लास में कितने साल गुजारे। द नरेटर स्पेंड 3 ईयर्स इन द 9th क्लास, नरेटर ने 9th क्लास में 3 साल गुजारे। नंबर 9, व्हाट डिड रहीम बीबी आस्क द नरेटर टू गिव हर एज मसानी व्हेन शी वाज डाइंग, जब रहीम बीबी मर रही थी तो उसने नरेटर को क्या बोला मसानी देने के लिए। रहीम बीबी आस्क द नरेटर टू प्लेस ए हैंडफुल ऑफ सॉइल ऑन हर फेस इन द ग्रेव एज इज मसानी, उसने कहा कि मेरी कब्र में मेरे चेहरे पर एक हाथ से मिट्टी डालना तो वो मेरी मसानी होगी। जहाँ तक ये क्वेश्चन थे, आई होप कि आप अंडरस्टैंड हो गए। कल हम इसकी लैंग्वेज वर्क करेंगे, तब तक के लिए आप दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।